फिल्म की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस ब्रिज से कूदकर अपनी जान ले लेती है। अब हम एक ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जहां एक कमरे में बैठकर ये लड़की काफी अजीब तरीके से पियानो बजा रही होती है। इस लड़की का नाम बेला बैक्स्टर है। तभी मॉन्स्टर जैसी शक्ल वाला आदमी एंटर करता है। उसका नाम गॉडविन बैक्स्टर है। वो बेला को ऐसे पियानो बजाते देख निहारता है। वो अब नाश्ता करते हैं। बेला अपने हाथों से खाने का निवाला लेती है। खाना ना पसंद आने पर बिगड़े हुए बच्ची की तरह वो खाना थूक देती है। इसके बाद गॉडविन उसके मत्थे पे पप्पी दे काम पर निकल जाते हैं। बेला एक छोटी बच्ची की तरह फुदकते हुए पापा पापा पुकारते हुए गॉडविन को बाय बोलती है। गॉडविन लंदन का बेस्ट साइंटिस्ट है। वो यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को विज्ञान के बारे में पढ़ाने आता है। हालांकि यहाँ पढ़ने के बजाय स्टूडेंट्स गॉडविन के भयानक शक्ल का मजाक उड़ाते हैं। बस एक ही होनहार स्टूडेंट था, मैक्स नाम का। सिर्फ वो ही था जो गॉडविन की रिस्पेक्ट करता है। मैक्स की डेडिकेशन देख गॉडविन उसे अपना असिस्टेंट बनने को बोलता है। वो मैक्स को अपने घर ले जाता है। बेला गॉडविन के ऊपर चढ़कर उसका खुशी से स्वागत करती है, पर मैक्स को हेलो बोलने के बजाय उसको जोर का मुक्का मारती है और नाचते हुए भाग जाती है। बेला की हरकतें देख मैक्स को लगता है कि शायद उसकी दिमागी हालत खराब है। गॉडविन कहता है कि बेला का ब्रेन डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से उसका दिमाग एक 2 साल की बच्ची जितना डेवलप्ड है। वो मैक्स से कहता है कि अभी बेला का दिमाग और डेवलप होगा, तुम बेला पर नजर रखना, ठीक है, और उसके प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना। मैक्स खुशी खुशी हाँ बोल देता है। अगले ही दिन मैक्स बेला की सारी हरकतों का हिसाब रखता है। उसने क्या खाया, कैसे बिहेव किया और क्या क्या नया सीखा। एक रात बेला को लोरी सुनाते हुए गॉडविन उसे बताता है, बेला तुम्हारे पेरेंट्स मेरे दोस्त थे। वो साउथ अफ्रीका में ट्रेवल कर रहे थे और वहाँ एक हादसे से अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद मैंने तुम्हारी ध्यान रखने की जिम्मेदारी उठाई बेला। ये जानकर बेला में बाहर की दुनिया देखने की तलब उठी। बेला ने उस घर के बाहर से दुनिया को देखा तक नहीं था। वो गॉडविन से बाहर जाने की जिद करती है और बहुत मिन्नतों के बाद गॉडविन मुश्किल से मान ही जाता है। अब बेला, गॉडविन और मैक्स एक टांगे पे सवार बाहर निकलते हैं। एक शांत जगह ढूंढकर टांगा रोकते हैं और बेला बाहर की ओर दौड़ लगाती है। उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खूब झूम उठती है। अब वहाँ तीनों पिकनिक करने बैठते हैं। यहाँ गॉडविन उनको बताता है कि वो मॉन्स्टर की तरह क्यों दिखता है, कि उसकी शक्ल इतनी भयानक क्यों है। दरअसल गॉडविन के पिता भी एक महान साइंटिस्ट थे। जब गॉडविन छोटा सा बच्चा था तो विज्ञान की तरक्की के लिए उसके पापा उसके बदन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे, ताकि वो ह्यूमन बॉडी को बेहतर तरीके से समझ सके। खैर, अब वो वापस घर की ओर निकलते हैं। रास्ते में बेला पहली बार एक मार्केट देखती है, जहाँ लोग कचाकच भरे हुए थे। बेला अब यहाँ बाहर जाने की जिद करती है। गॉडविन के मना करने पर वो जोर जोर से चिल्लाती है और उन्हें मारने भी लगती है। गॉडविन उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देते हैं। घर पहुँच के बेला को बिस्तर में सुलाने के बाद मैक्स डॉक्टर गॉडविन के ऑफिस में छुपके जाता है। यहाँ उसे बेला की सीक्रेट फाइल मिलती है और उसे पढ़ के मैक्स हक्का बक्का रह जाता है। अचानक गॉडविन वहाँ आ जाता है और मैक्स को पकड़ लेता है। अब मैक्स गॉडविन को कन्फ्रंट करता है। वो उसे पूछता है, ये सब क्या चल रहा है, मुझे आप बेला की असलियत बताओ, नहीं तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। गॉडविन अब मैक्स को बेला की सच्चाई बताता है। दोस्तों, एक दिन गॉडविन को नदी के किनारे एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी नजर आती है। दोस्तों, ये वही प्रेग्नेंट औरत थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में नदी में छलांग लगाते देखा। गॉडविन उसे अपने घर ले जाता है। चेक करने पर उसे पता लगता है कि माँ तो मर चुकी थी, परंतु उसके पेट में जो बच्ची थी उसका दिमाग जिंदा था। तभी डॉक्टर गॉडविन को एक आइडिया आता है और वो उस बच्ची के दिमाग को माँ के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देता है, और इस एक्सपेरिमेंट से बेला का जन्म हुआ। इसी वजह से बेला बच्ची की तरह बर्ताव करती है। बेला अब काफी तेजी से डेवलप हो रही थी। अगले दिन वो प्यूबर्टी में आ रही थी। वो एक नया खोज करती है, मास्टरबेशन का। उसे पता लगता है कि जब वो नीचे खुजली करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है।
अब नाश्ते के टाइम वो सबके सामने खुजली करती है। वो अपनी मेड के साथ ये खोज शेयर करती है और उसकी भी खुजली करती है। मेड जोर से चिल्लाती है, बदतमीज लड़की। तभी मैक्स आकर बेला को बताता है कि वो सबके सामने ऐसी हरकतें नहीं कर सकती, इसको ऐसे खुलेआम करना अच्छा नहीं मानते। बेला को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि वो तो बस खुद को खुशी ही तो दे रही थी, पर वो मैक्स की बात सुन लेती है। खैर, अब मैक्स डॉक्टर गॉडविन को इस हादसे के बारे में बताता है। अब गॉडविन कहते हैं कि मैक्स तुम बेला से शादी कर लो। मैक्स डॉक्टर गॉडविन से पूछता है, बुरा ना माने डॉक्टर, पर मुझे लगा कि आप बेला को खुद के लिए रख रहे थे। गॉडविन कहते हैं कि मैं बेला को अपनी बेटी की तरह देखता हूँ, और वैसे भी मेरे पापा ने मेरी बॉडी पे इतने एक्सपेरिमेंट किए कि मेरा पप्पू अभी डांस भी नहीं करता। खैर, अब आगे बढ़ते हुए मैक्स बेला को शादी के लिए प्रपोज करता है। बेला हाँ कहती है। शादी के कागजात दर्ज कराने गॉडविन एक वकील को घर बुलाता है। उस कागजात के मुताबिक गॉडविन चाहता था कि बेला की शादी के बाद भी वो घर पर ही रहे, उसका पति भी उसी घर में रहे। ये जानने के बाद वकील देखना चाहता था बेला को कि आखिर ये कौन सी हुस्न की परी है जिसको गॉडविन ऐसे कैद करके रखना चाहता है। तो वो सुसु करने के बहाने कि मैं वॉशरूम होके आया, चुपके चुपके बेला के रूम में घुस जाता है। अब वो बेला से मिलता है और अपने रोमांस में फंसाने की कोशिश करता है। उसी रात वो चोरी छुपे छत टाप के बेला को खिड़की के बाहर बुलाता है। वो दोनों घर की छत पर चले जाते हैं। यहाँ वकील अपने बारे में बताता है कि उसका नाम डंकन है और वो बेला को यहाँ से भगा के ले जाएगा, उसको दुनिया दिखाना चाहता है। उसके तुरंत बाद बेला गॉडविन के पास जाती है और उसको अपना प्लान बताती है कि मैं तो डंकन के साथ घर से भागकर ट्रिप पर जा रही हूँ। गॉडविन उसे मना करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, बट बेला ने तो अपना मन बना लिया था। अब वो जब सामान पैक कर रही होती है ना, तो मैक्स आ जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। बेला उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाती है और उसे बेहोश कर देती है। अब गॉडविन वहाँ आते हैं और बेला की ड्रेस में कुछ इमरजेंसी के लिए पैसे सिल देता है। वो बेला के मत्थे पे पारी करके उसे विदा करता है। अब हमारी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया फिर से कलरफुल हो जाती है। यहाँ डंकन और बेला लिस्बन नाम के शहर में होते हैं। यहाँ डंकन उसको रेस्टोरेंट में नई नई चीजें खिलाता है, पर ज्यादातर टाइम ये लोग संभोग करने में गुजारते हैं, या फिर जिसको बेला तेज तेज कूदना कहती है। उसे ये करके काफी मजा आता है। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन जब बेला ने डंकन को कुदा कुदा के थका दिया, वो तो सो गया, लेकिन बेला अकेली बाहर जाने का सोचती है। बाहर की दुनिया बिल्कुल एडवांस्ड होती है। ये दुनिया की खूबसूरती देख बेला बहुत चौंक जाती है। इसके बाद वो वापस होटल रूम में आ जाती है। होटल रूम में डंकन नर्वस आ गया कि पता नहीं बेला कहाँ चली गई। तभी बेला रूम में एंटर करती है। तब डंकन बेला को डांट लगाता है। वो कहता है कि मेरे बिना तुम ऐसे बाहर मत जाया करो डार्लिंग। अगले सीन में हम देखते हैं कि डंकन बेला को रेस्टोरेंट ले जाता है अपने कुछ दोस्तों से मिलाने। यहाँ बेला डंकन को उसके दोस्तों के सामने शर्मिंदा करती है, जैसे खाना प्लेट में थूकती है और दूसरे टेबल में रोता हुआ जो बच्चा था उसको मारने के लिए भी जाती है। डंकन बेला की बचकानी हरकतों से शर्मिंदा होता है। उसको कोने में ले जाके बोलता है कि तुम ढंग से पेशाओ, समझी डार्लिंग। अब वो होटल की लॉबी में टाइम पास कर रहे होते हैं जब एक औरत बेला के पास आती है और उसको विक्टोरिया कह के बुलाती है। वो कहती है कि ओ विक्टोरिया, तुम यहाँ कैसी हो, बड़ा टाइम हो गया ना मिले। बेला कहती है उस औरत को कि आपसे कोई गलती हो गई है, मैं कोई विक्टोरिया विक्टोरिया नहीं हूँ, मेरा नाम बेला है, बेला बैक्स्टर। खैर, अब अगले दिन वो फिर एक रेस्टोरेंट आते हैं। यहाँ गाने सुनके बेला फुल टू मदहोश हो जाती है, बच्चों की तरह नाचती है। डंकन भी उसके साथ बच्चों की ही तरह फुल टू नाचता है। ये काफी क्यूट नजारा है जो बहुत ही जल्द बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एक अनजान आदमी बेला को देखकर आंख मार रहा था। अब बेला को इसका मतलब नहीं पता, तो वो भी अपनी इनोसेंस में वापस आंख मार देती है
ये देख डंकन को गुस्सा आता है और वो उस आदमी की पिटाई कर देता है। खैर अब अगले सीन में वो दोनों होटल रूम में नॉटी होने लगते हैं। तभी डंकन को बेला की टांग पर किसी और आदमी को दिया हुआ लव बाइट दिखता है। ये देख डंकन का दिल टूट जाता है और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और बेला उसको फिर छोड़ के भाग जाती है। बेला सिर्फ एक मासूम बच्ची थी और उसे ये सब समझ नहीं आता था कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया। डंकन बेला पे सारा कंट्रोल चाहता था और बेला को यूं ऐसे भागने से रोकने का एक ही तरीका था। वो बेला को कहता है कि डार्लिंग चलो एक गेम खेलते हैं, तुम इस बक्से में घुस जाओ और मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा। अब अगले सीन में जब वो बक्सा खुलता है तो बेला अपने आप को शिप में समुन्दर के बीच पाती है। दरअसल ये डंकन का बेला को अपने कंट्रोल में रखने का तरीका था। अब इस समुद्र में बेला भाग के जाएगी तो जाएगी कहाँ। खैर अब अगले सीन में हम डॉक्टर गॉडविन को देखते हैं जो क्लास में पढ़ाते हुए अचानक से बेहोश हो जाते हैं। गॉडविन बीमार पड़ रहे थे परंतु उनको अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखना था, पर जो कि बेला भाग गई थी तो डॉक्टर गॉडविन मैक्स को कहते हैं कि हमें बेला की जैसी एक बॉडी लानी होगी जिसके साथ हम ये एक्सपेरिमेंट जारी रख सके। तो ऐसे में ये फिलोसिटी नाम की औरत को बनाते हैं जिस पर वो स्टडी जारी रखते हैं। पर फिलोसिटी बेला की तरह तेज और होनहार नहीं थी, वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखा रही थी, उससे एक बॉल भी नहीं पकड़ा जा रहा था यार। अब दूसरी तरफ बेला अब भी डंकन से नाराज होती है कि उसने ऐसे उसे किडनैप कर दिया। अब बेला उसके साथ संभोग करने से भी मना कर देती है, वो सिर्फ अपना किताब पढ़ना चाहती है। बेला उस शिप पर दो लोगों से मिलती है, मार्था और हैरी। बेला को उन दोनों के सोचने का तरीका काफी अनोखा लगता है और वो तुरंत घुल मिल सी जाती है उनके बीच और दो नए दोस्त बना लेती है। तभी डंकन वहां आ जाता है और बेला को वहां से ले जाता है। डंकन बेला से कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजे कर रहा था, पर डार्लिंग मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझसे शादी कर लो। बेला उसे कहती है कि उसका पहले से ही रोका हो गया है और उसकी शादी मैक्स के साथ तय है, वो भी डंकन के साथ सिर्फ मजे ले रही थी। बेला अब अपने नए दोस्त मार्था और हैरी के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगती है। वो तीनों मिलकर दुनिया के बारे में बात करते, बुक्स पढ़ते और कविताओं के विषय पर एक दूसरे को टिप्पणियां देते। अब यहाँ डंकन आ जाता है जो कि इस बात से काफी गुस्सा होता है कि बेला अब बदल गई, पूरा दिन किताबों में ही रहती है। बेला को ऐसे इंडिपेंडेंट देख वो इनसिक्योर फील करता है, वो गुस्से में बेला की किताब भी फेंक देता है। डंकन मार्था से भी गुस्सा होता है कि वो बेला को ज्यादा ही तेज बना रही थी। वो फुल टू ड्रामेबाज बनकर मार्था को शिप से गिराने की भी धमकी देता है। खैर अब रात को डंकन गधे बेच के सो जाता है, पर बेला की कविताओं के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही थी। वो उठ के हैरी के रूम में आ जाती है, उसके दिमाग में दुनिया देखने की तलब उठी थी। अगले दिन जब शिप थोड़ी देर के लिए पोर्ट पर रुकती है तो हैरी उसको एक आलिशान रेस्टोरेंट ले जाता है। वो उसको उस रेस्टोरेंट के नीचे का नजारा दिखाता है। वहाँ नीचे एक बड़ी सी गरीबों की बस्ती थी जहाँ लोग गर्मी से तड़प रहे थे, ना खाने को कुछ ना पीने को पानी, बिल्कुल नरक। ये देखकर बेला का दिल टूट जाता है, वो रो उठती है। वो उन लोगों की मदद करना चाहती थी। जब वो वापस शिप पर चढ़ती है वो देखती है कि रूम में डंकन खूब नशे में धुत सो रहा था और उसके बगल में ढेर सारा लॉटरी से जीता हुआ पैसा बिखरा पड़ा हुआ था। बेला यहाँ सारा पैसा भर के गरीबों में बांटने ले जाती है, परंतु शिप के बाहर पोर्ट पर दो सिपाही उसे झूठ मूठ की कहानी सुनाते हैं कि आपकी शिप निकलने वाली है, आप हमें पैसे दे दो, हम बांट देंगे गरीब में। मासूम बेला उनकी बात मानकर उनको पैसा दे देती है। वापस जाके बेला डंकन को बताती है कि उसने लॉटरी का पैसा गरीबों में बांट दिया। ये सुनके डंकन को गुस्सा आ जाता है। अब शिप का कैप्टन उनके पास आके कहता है कि आप दोनों के पास पैसे तो नहीं बचे, तो हमें आपको अगली पोर्ट पर शिप से निकालना होगा। उनको अब पेरिस में उतारा जाता है। डंकन काफी चिढ़ा हुआ होता है। बेला उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता निकाल के आती हूँ। चलते चलते बेला एक कोठे में पहुंच जाती है। यहाँ की जो दल्ली औरत होती है वो बेला को कुछ पैसे कमाने का मौका देती है, बस उसे किसी मर्द के साथ सोना होगा। मासूम बेला को गलत और सही में अंतर नहीं पता, वो हाँ कह देती है। अगले सीन में एक बुढ़ा आदमी बेला के साथ संभोग करता है, पर बुढ़ा आदमी सिर्फ दो ही सेकंड के लिए कूद पाता है। ये देखकर बेला
को हंसी आती है। अब वो उन पैसों से केक खरीदती है और डंकन को खिलाती है। डंकन उससे पूछता है कि इसके लिए पैसे कहाँ से मिले डार्लिंग। बेला जवाब देती है कि मुझे एक बुड्ढे आदमी के साथ कमरे में कूदना पड़ा। ये सुन के डंकन गुस्से से लाल केक फेंक देता है। वो उसे कहता है, छी थू, ये तुमने सबसे घिनौनी हरकत की है। बेला को यहाँ यकीन आता है कि डंकन बिल्कुल खड़ूस है और बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं है। वो अपनी ड्रेस से गॉडविन के दिए हुए पैसे निकाल के डंकन को दे देती है कि जाओ अपनी टिकट काटो और घर वापस निकलो। बिना किसी चारे के बेला कोठे में वापस आती है और वहाँ वो उस दल्ली औरत को कहती है कि मुझे यहाँ काम करना है। दल्ली खुशी खुशी बेला का स्वागत करती है। अब बेला अपनी नौकरी शुरू करती है। यहाँ बेला भिन्न प्रकार के मर्दों के साथ सोती है और दिन में कुछ टाइम निकाल के स्कूल भी जाती है, जहाँ वो साइंस के बारे में पढ़ती है। ऐसे ही एक दिन वो डंकन से फिर से टकराती है। डंकन उसे उसके पास वापस आने की भीख मांगता है, पर बेला उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। अब दूसरी ओर गॉडविन की हालत काफी खराब हो रही थी। वो मैक्स को कहता है कि तुम मेरा ऑपरेशन करो। यहाँ मैक्स को पता लगता है कि गॉडविन को काफी बुरा ट्यूमर हो गया है, जिसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। गॉडविन को पता था कि उसके गिनती के दिन रह गए हैं। वो मैक्स को कहता है, तुम बेला को ढूंढ के वापस ले आओ। बेला की खोज में मैक्स डंकन के पास पहुँचता है, जो की पागल खाने में कैद होता है। डंकन मैक्स को कहता है, वो औरत शैतान है, उसने मुझे पागल बना दिया। फिर वो उसे बेला का पता बता देता है। बेला को अब गॉडविन का लेटर मिलता है और वो अब वापस लंदन आ जाती है। अब बेला को इतना एक्सप्लोर करके अपने बारे में काफी सवाल उठते हैं। वो गॉडविन से पूछती है, मेरे पेट पे ये प्रेगनेंसी का निशान कैसे है, मुझे मेरी सच्चाई जाननी है। गॉडविन उसे यहाँ सब कुछ सच सच बता देता है कि तुम खुद की ही बेटी हो, मैंने तुम्हारी बेटी का दिमाग तुम्हारे दिमाग में ट्रांसप्लांट करा था और यही सारी सच्चाई है। ये सुनके बेला के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद मैक्स आकर उसको कंफर्ट करता है। अब बेला मैक्स से शादी करने के लिए तैयार होती है। कुछ दिन बाद गॉर्डन मैक्स और बेला की शादी कराने चर्च आते हैं। यहाँ उनकी शादी होने का फंक्शन चल रहा होता है, तभी एक आदमी पीछे से चिल्लाता है, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। उसे यहाँ डंकन लेके आया होता है। इस आदमी का नाम जनरल एल्फी होता है। ये कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो विक्टोरिया और मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। बेला अपने पास्ट के बारे में जानना चाहती थी, तो वो मैक्स से शादी करने से मना करके इस आदमी यानी कि जनरल एल्फी के साथ उसके घर चली जाती है। यहाँ बेला नोटिस करती है कि जनरल एल्फी का बर्ताव काफी अजीब है, वो काफी क्रूर आदमी होता है। वो बेला को बताता है कि विक्टोरिया तुम और मैं दोनों दूसरों को ऐसे तड़पा के काफी मजे लेते थे। डिनर टेबल पर बेला उससे पूछती है कि आखिर मेरी खुदकुशी करने का कारण क्या था। तो एल्फी उसे बताता है कि हम काफी खुश थे, पर जब तुम प्रेग्नेंट हुई थी ना, तुम्हें अपने पेट में जो बच्चा था उससे काफी नफरत थी। अगले दिन बेला एल्फी को छुपके देखती है, जो किसी डॉक्टर से बेला के बारे में बात कर रहा होता है कि वो उसे बेहोश करके उसके प्राइवेट पार्ट्स पे ऑपरेशन करेंगे। ये जानने के बाद बेला यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन एल्फी उसे बंदूक दिखाकर डराता है, रोकने की कोशिश करता है। यहाँ इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और एल्फी इसके दौरान खुद को गलती से गोली मार देता है। अब बेला एल्फी को गॉडविन के पास ले जाती है मैक्स से हेल्प मांगने। मैक्स एल्फी का ऑपरेशन करता है और उसकी जान बचा लेता है। बेला को पता था कि अगर एल्फी पूरी तरह से ठीक हो जाए तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, इसी वजह से वो मैक्स से कहती है कि एल्फी का एक और ऑपरेशन करना होगा। अब ये ऑपरेशन क्या था, ये तो आपको मूवी के एंडिंग में ही पता लगेगी। अगले सीन में बेला गॉडविन के पास जाके लेट जाती है। गॉडविन उसके मत्थे पे पारी करता है और अपनी आखिरी सांस लेता है। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं बेला गार्डन में आराम करते हुए बुक पढ़ती है। उसने गॉडविन की तरह साइंटिस्ट बनने का फैसला कर लिया था। वो जो दूसरी एक्सपेरिमेंट थी ना फिलोसिटी, उसके ब्रेन में भी थोड़ी सी डेवलपमेंट होने लग गई थी। वो मेड के साथ बॉल खेलने लग जाती है।
सभी उस गार्डन में आराम कर रहे होते हैं। तभी साइड पर एल्फी घास खाता हुआ दिखता है, जो बकरी की तरह बा, बा, कर रहा होता है। दरअसल मैक्स ने एल्फी की जान बचाने के बाद बेला के कहने पर उसके दिमाग में बकरी का दिमाग ट्रांसप्लांट कर दिया था, और इसके साथ साथ ये अजीब सी फिल्म का अंत हो जाता है। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और कौन सी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार।